ये है मिस्टर वीएन पटेल, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आजकल इस देश में जाली नोटों का जो सनसनीखेज कांड चल रहा है, उसमें इसी आदमी का हाथ है। इतने बड़े रैकेट में जरूर कई और लोग भी शामिल हैं, लेकिन कौन है ये लोग, सिर्फ ये आदमी बता सकता है, पटेल। लेकिन ये आदमी तो लापता है। पिछले 6 महीनों से पूरे देश में इनकी तलाश जारी है। पुलिस, CID और CBI सब इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो काम ये लोग नहीं कर सके वो हम करके दिखाएंगे। पटेल जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। ये गीता कपूर का और चैनल 2001 का आपसे वादा है। तुम भी इधर सेठ को देख रहे, सलमान रेस्टोरेंट, शनमुगम शंकरन दामोदरन पालगाट कुट्टे, तीस ताली विद स्वीट, 100 स्वीट सर, अभी भेजता हूँ सर। हाँ, विद थिएटर भेजता हूँ सर, डोंट वरी। चुट्टा नहीं कला के उत्तर पका लेना। थैंक यू वेरी मच। ए तम्मी इधर आ रे, आया जी, इधर आ जल्दी, जल्दी। ये ना 30 स्पेशल ताली ताप रोस में, 4 वेटर के साथ में, जल्दी फटाफट चलाओ। अभी 4 वेटर उधर जाएगा तो इधर कौन देखेगा? इधर का चिंता छोड़ रहे, इधर राजू है ना, वो सब देख लेंगे। सर आपका मसाला डोसा, आपकी पाव भाजी, आपका दही वड़ा और मैडम आपका पिज्जा। So fast? I am fast. Really? मैडम, आपका पिज्जा ठंडा हो रहा है। राजू इधर आओ, इधर आओ। क्या रे तबाव का तरे, वो लड़की तेरे को कितना घूर घूर के देख रहा था, क्यूट बोला तेरे को, हैंडसम बोला, एक नजर डाल के देखने का नहीं। तेरे को मालूम है ना, मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लड़की रहती है, सुबह शाम दिन रात हर पल सिर्फ वो, इसलिए तो मेरे दिल की हर धड़कन उसी का नाम लेती है। गीता, गीता, वर्षा, गीता, वर्षा। ए, बिल किधर है? है ना, पार्टी में आया? नहीं, मैं तो देने वाला। मेरा 4 आंख, 2 इधर, 2 इधर। इधर किधर है? एक बात याद रखना, तू एक वेटर है, वो एक स्टार रिपोर्टर है, वो तेरे से प्यार मोहब्बत की बात करने वाला नहीं है। वो करे या ना करे, पर हम तो मोहब्बत करेगा, और करेगा तो करेगा। अब तो चाह तुझे जान जाए रहे, दिल किया तेरे नाम, दुनिया जो भी कहे। हे 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 हा हा हा, हम तो मोहब्बत करेगा, सुनो सुनो, कहो कहो, क्या कहूँ, यूँ भी क्या, डर है दिल, क्यों जी क्यों, तेरे बिन जीना तो मुश्किल है, मुश्किल है, जीना क्या, मरना भी मुश्किल है, मुश्किल है। हे 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 आ हा हा,
हम तो मोहब्बत करेगा। तू तो मेरी जान है, जान है तो जहां है, तू है तो मैं भी यहां। सुनो कहो कहो क्या कहूं, यूं भी क्या डर है दिल, क्यों जी क्यों, तेरे बिन जीना तो मुश्किल है मुश्किल है, जीना क्या मरना भी मुश्किल है मुश्किल है। हे 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 तो मोहब्बत करेगा। ला 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 ला, हम तो मोहब्बत करेगा। ला 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 ला, ओ भाई वो खड़े खड़े सो गए क्या? ओए क्या हुआ तेरे को? अरे चल निकलना यहाँ से, अरे निकलो 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 यहाँ से निकलो। हसमुख साहब कैसे हैं आप? मजा मा। केम छो देसाई भाई, मजा मा। आपकी गुजराती थाली हाजिर है और आपका फेवरेट आइटम ढोकला। अच्छा भाई साहब मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। एकदम गरम है सर, अभी खा लीजिए। देसाई भाई वो पटेल है ना टीवी पर, क्या बता रहे थे कि अच्छा खासा आदमी लापता हो गया, लेकिन आप देख लेना अपनी गीता कपूर तो उसे ढूंढ लेगी। क्या चीज है, जिसके पीछे पड़ जाए ना उसका अंजाम तो लाकर ही छोड़ती है। Yes, that's nice. Wonderful job, Mr. Desai. हेलो मिसेस गोम्स, मैं देसाई बोल रहा हूँ, क्या हुआ? ओ मिस्टर देसाई, पता नहीं ये सब कैसा हो गया। आखिरी पेशेंट कौन था? आई मीन वो दिखने में कैसा था? Stupid, sorry. आपके लिए मैं डीलक्स थाली लाया हूँ, सुरती उंधियो, आलू का शाक, दाल और आपका फेवरेट खमन ढोकला। आज आप जा रहे हैं ना? क्या बात है देसाई भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ
राजू जरा अलमारी में से फोन निकालना। जी साहब। देसाई भाई एक बात बोलूंगा, अब अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। हाँ राजू तुम ठीक कहते हो, अब दवाई टाइम पे ले लीजिए ना। और वो क्या कहते हैं, जान है तो जहान है, रोग और दुश्मन को पहले ही खत्म कर देना चाहिए वरना वो हमें खत्म कर देता है। ये लीजिए सर। थैंक यू राजू। सर आपको कुछ गिर गया है नीचे? हाँ राजू मेरा एक काम करेगा? यस सर, हुक्म कीजिए। इस फ्लॉपी को स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर देगा? हाँ सर। जरा एक कवर देना राजू, ये पोस्ट जरूर कर देना, भूलना मत प्लीज। नहीं 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 भूलूंगा सर। आखिरी खाना खा रहे हो मिस्टर पटेल उर्फ मिस्टर देसाई? कि तू तू ये कैसे भूल गया था पटेल कि एक मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन दूसरे मुजरिम से नहीं। मुझे मुझे मत मारना कि तू मुझे मत मारना, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तूने ये कैसे सोच लिया था कमीने कि इतना सारा रुपया तू अकेले हजम कर लेगा? बता कहाँ है वो 500 करोड़ रुपया जो तूने बीच में से उड़ा लिया था? बता कहाँ है रुपया, कहाँ छुपा रखा इतना सारा रुपया? बताता हूँ बताता हूँ, वो सारे रुपयों से मैंने हीरे खरीद लिए। हीरे? वो मेरी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से विदेश जाने वाले हैं। विदेश? हाँ विदेश। ये इस फ्लॉपी में पूरी डिटेल है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना केतु। सूरत बदलने से तकदीर नहीं बदलती पटेल। नहीं केतु, जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे मत मारो केतु। Have a nice trip. ये भी खा लो, सारा फिनिश कर दो। गुड गर्ल, सारा फिनिश करने पर ये मिलेगा। देखो अंकल तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक लाए हैं। मामी मामी वो अंकल ऐसे क्यों लटक रहा है? देखिए हमें अंदर जाने दीजिए, ये 2001 चैनल वाले हमेशा हमसे पहले पहुंच जाते हैं। बंद करो ये शूटिंग वीडिंग, ले जाओ अपने कैमरे। अरे साहब ए तू हटना, इस बार ये हमारा गीता कपूर आपसे बात करेगा। बात कीजिए। गीता कपूर, गीता कपूर तुम जानती हो मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेरे पास कमिश्नर साहब की ऑफिशियल परमिशन है देसाई मर्डर केस कवर करने की? अगर सस्पेंड होने का इतना ही शौक है तो बात करवा दूं कमिश्नर साहब से। ये क्या सर, टूट गया? हाँ? ये लो पुलिस डिपार्टमेंट में बिल भेज दो, चुपता किया जाएगा। सुनो हाँ? शूटिंग कर सकते हो? यस, मेरा ऑर्डर है। ओके यस, जाओ। मुझे टेबल पर रखी हर चीज की डिटेल चाहिए, पूरा कवर करो। फ्रीजर दास, ओह माय गॉड, ये क्या, खाना बिल्कुल छुआ भी नहीं गया। हाँ गीता, गीता वहाँ एक वेटर था, वो कह रहा था उसने देसाई को खाना 1:30 बजे पहुँचाया और लाश मिली 2 बजे। गीता गीता मीटिंग, आर यू शालिनी? इसका मतलब देसाई का खून खाना खाने से बिल्कुल पहले हुआ। हो सकता है उस वेटर और खूनी का कहीं ना कहीं आमना सामना हुआ हो। गीता अगर तुम फौरन नहीं पहुंची ना तो मिस्टर रोहित तुम्हें मार डालेंगे। दास, पीटर, प्रिया, संजना, उस वेटर के बारे में सब कुछ पता करो। okay. क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। कम ऑन गेट टू वर्क। मुझे पता है कि हमारा करंट अफेयर्स प्रोग्राम जनता की आवाज इतना पॉपुलर नहीं है। सॉरी रोहित। आओ बैठो, यू आर ऑलवेज लेट गीता। 10 हफ्तों के बाद भी TRP बिल्कुल कम है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज नहीं के बराबर, तो ऐसे में हम क्या करें, इस प्रोग्राम को बंद कर दें? नेवर। चैनल 2001 का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सच, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। वो दिन दूर नहीं है जब लोग सिर्फ हमारी खबरें सुनेंगे, हमारी सच्चाई पर यकीन करेंगे और हमारी हकीकत ही उनकी हकीकत होगी, क्योंकि हमारे समाज का पूरा भविष्य सिर्फ एक ही चीज पर आधारित है, टेलीविजन। सो Let's work towards that future. Yes, sir. Good work.
Wow, Rohit. What a brilliant speech, huh? Thanks. Yeah. Geeta Kapoor here. Yeah, the minute. कौन? गुल मोहम्मद? हाँ गीता, ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने तुमने देसाई के मर्डर के बारे में सुना होगा ना? हाँ हाँ, पर तुम क्या जानते हो उसके बारे में? बहुत कुछ, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देसाई दरअसल देसाई नहीं, पटेल था। What? पटेल? हाँ, वही पटेल जो 6 महीने से गायब था। But that's impossible. ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है गीता। गीता, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता। कौन कौन पीछा कर रहा है तुम्हारा? मालूम नहीं, लेकिन ये लोग साई की तरह मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं फोन रख रहा हूँ गीता। एक मिनट, मोहम्मद, सिर्फ एक बात और, इन दोनों मर्डर्स की वजह क्या है? What is the motive? 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए? हेलो हेलो गुल मोहम्मद। वाह, 500 करोड़ रुपए? हाँ रोहित, इतना बड़ा कांड, कौन लोग इन्वॉल्व्ड है? थोड़ी देर और बात हो जाती तो ना। गीता, कौन है ये आदमी जो तुम्हें बार बार फोन करता है? गुल मोहम्मद, मेरा एक मददगार, वो वक्त वक्त पर मुझे इन्फॉर्मेशन देता रहता है। लेकिन ये है कौन, करता क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो आज तक उससे मिली भी नहीं। कई बार उससे मिलने की कोशिश की, मगर वो हमेशा डरा हुआ लगता है और मिलने से इनकार कर देता है। आई सी, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। गीता, अब तुम्हारा अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अब तो मेरा उस वेटर से मिलना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि वो ही देसाई उर्फ पटेल का केस सुलझा सकता है। शायद उसने किलर को देखा हो, देसाई के रूम में आते जाते, लिफ्ट में, लॉबी में, कहीं भी। The possibility exists, you know? Yes, it does. Go ahead and all the best. अरप्पा पड़नी अप्पा पट्टणम पट्टणम आज उनसे मेरा पहला मुलाकात है। अबे गधे, मुलाकात नहीं, मुलाकात है। मुलाकात है? मुक्का लावे या मुलाकात हो, खुशबू आएगा। मेरे को गधा बोलेगा तू? मैं तेरे को नौकरी दिया, मेरे घर में रखा, छोटा भाई समझा। मेरे को कुत्ता बोलेगा, घोड़ा बोलेगा? कुत्ता घोड़ा नहीं बोला, गधा बोला है। क्या? गधा। गधा। हाँ। ओके, गधा घोड़ा कुत्ता अलग अलग है, क्या कंफ्यूज हिंदी लैंग्वेज है। आज उनसे पहला मुलाकात है, आतो में आते ही वर्षा कर ले प्यार। क्या रे ये गड़बड़े, वर्षा कर ले। डरने की क्या बात, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, करेक्ट है। कुट्टी मेरे दोस्त, तू लेट हो जाएगा। हाँ। इतनी मुश्किल से वर्षा तुझे मिलने को तैयार हुई है, बिगड़ गई ना तो तेरा ये थोपड़ा कभी नहीं देखेगी। नहीं नहीं, नहीं ओके। ए, जाने के टाइम मेरे को विश कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आज उनसे आखिरी मुलाकात। आखिरी नहीं, पहली मुलाकात। पहली मुलाकात, मेरे को मालूम है। जा, आज उनसे पहली मुलाकात है। और हाथ में, हाथ में, हाथ में क्या? ये कुत्ती तो मेरी जान ले लेगा, मोहब्बत कर रहा है या मेरी प्रेयर करवा रहा है? अब क्या है? हाथ में क्या है? क्या है? हाथ में लाइन, लाइन। हाथों में हाथ। हाँ। वर्षा कर ले प्यार। पहली मुलाकात है, हाथ में हाथ है, वर्षा कर ले प्यार, वर्षा कर ले प्यार। उसके बाद में क्या है? अब क्या भूल गया? वर्षा कर ले प्यार। डरने की क्या बात, डरने की क्या बात है। दोबारा है ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा। नहीं, दरवाजा बंद कर ले। आज उनसे अब इस साले को मैं नहीं छोड़ूंगा, सर फोड़ दूंगा। क्या तुम्हारा नाम राजीव भटनागर है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या वो सचमुच मेरे सामने खड़ी है? क्या तुम ही राजीव भटनागर हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जवाब क्यों नहीं देते? Oh my God! क्या हो गया तुम्हें? माफ कीजिए, मैं बेहोश हो गया था, अक्सर हो जाता हूँ। आप बोलिए, आप क्या लेगी? सांभर बड़ा, बटाटा बड़ा, मसाला डोसा, इडली डोसा, पाव भाजी, कचौरी, समोसा, कैप्सिकम पिज्जा, अनियन पिज्जा, मशरूम पिज्जा, मसाला पिज्जा। तो तुम ही वो वेटर हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। कितनी अच्छी पहचान दी तुमने अपनी। सॉरी, मैं तो अपने घर में हूँ। कितनी मीठी और सुरीली है इसकी हंसी, जैसे झरना बह रहा हो या जल तरंग बज रहा हो। और आंखें,
आंखें जैसे जैसे तराशे हुए हीरे। दरअसल बात ये है मिस्टर राजीव, मैं देसाई मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। मिस्टर देसाई की हत्या इतनी मामूली नहीं है जितनी दिखाई देती है। मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे मैं दिन रात देखता रहता हूँ, वो मेरे सामने है, मुझसे बातें कर रही है। ये तो मेरी कल्पना उससे भी ज्यादा सुंदर है। वही अदाएं, वही अंदाज, वही जुल्फों को हाथों से समेटना। हाय, कोई सुराग मिल सकता है? आप मेरी बात सुन रहे हो ना मिस्टर राजीव? जी हाँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप पहले ये बताइए, आप लेंगी क्या? कोक, सिट्रा, लिम्का, थम्स अप, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, ग्रेप जूस? मैं यहाँ सोशल विजिट के लिए नहीं आई हूँ, सो स्वीट। देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या, इसने मुझे छुआ? मैं तो गया। ये मुझे बस ऐसे ही देखती रहे, बातें करती रहे, बस ये उल्टी सीधे सवाल ना पूछे। मर्डर वर्डर वाले, ये क्यों मुझे देसाई के मर्डर के बारे में पूछ रही है जब मैं कुछ जानता ही नहीं है ना? राजू, याद करने की कोशिश करो, कोई ऐसा आदमी जिस पर तुम्हें शक हो। ऐसा आदमी? हाँ? अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा गीता जी। ओ नो, क्या तुम इसे देसा के बारे में कुछ ऐसा नहीं जानते जो कातिल तक ले जा सके? कोई ऐसी चीज जो उनकी खासियत हो? ऐसी चीज? आपका फेवरेट आइटम ढोकला। हाँ, याद आया। क्या है? क्या ना, है ना? क्या ढोकला? ढोकला? हाँ, उन्हें ढोकला बहुत पसंद था। क्या बेसन का? ग्रेट, मार्वेलस, केस इज सॉल्व्ड। क्या बेवकूफ की बात कर रहे हो? ढोकले से कातिल का पता चलता है क्या? थैंक यू, गुड बाय। गीता जी, आप गुस्सा क्यों करती है? आपने तो कहा था कुछ खासियत बताओ। हाँ संजना, नहीं नहीं, ये वेटर कुछ नहीं जानता, बिल्कुल चपड़ गंजू। हाँ, क्या उन्हें लस्सी बहुत पसंद थी? शट अप, मैं पूछ क्या रही हूँ, क्या जवाब दे रहा है? तो जा रही है। हाँ, मैं वही आ रही हूँ। अरे, इसको रोकना होगा, हमारी पहली मुलाकात आखिरी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, कुछ कर राजू, इसे रोक। मैं जा रही हूँ। अरे रुकिए तो सही, प्लीज। क्यों, अब तो इडली डोसा के बारे में बताओगे? गुड बाय। मैं आपको बहुत बड़ा सुराग दे सकता हूँ, बहुत बड़ा। ढोकला खाओ। मैंने खून खूनों तो देखा गीता जी अपनी आंखों से। अरे ये तो गई। क्या कहा तुमने? तुमने खून होते हुए देखा है? जी हाँ। मिस्टर देसाई का मर्डर? हाँ हाँ, देसाई का मर्डर देख डाला। सचमुच? सचमुच गीता जी, आप मेरा यकीन कीजिए। That means you're an eyewitness. गीता जी बिल्कुल। आप पहले अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। शुक्र है भगवान का, अंदर तो आई। तो बताओ, तुमने पूरा का पूरा मर्डर देखा? हाँ देखा देखा देखा, पूरा का पूरा मर्डर देख डाला। ओ राजू, तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए कितने लकी निकले। देखना, टीवी पर हंगामा हो जाएगा, सब हिल जाएंगे। जब मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी ना, तब तुम कातिल का पूरा हुलिया बयान करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा हुलिया बयान कर दूंगा टीवी पर। टीवी? कौन सा टीवी? कैसा टीवी? कौन होगा टीवी पर? तुम और कौन? मैं क्यों होगा टीवी पर? इंटरव्यू राजू, इंटरव्यू। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक आई विटनेस करोड़ों लोगों को टीवी पर बताएगा कि असली खूनी कौन है। ये आप क्या कह रही हैं गीता जी? मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा बता सकता ही नहीं हूँ। क्यों, तुम टीवी से डरते हो क्या? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। हाँ, आप रहेंगी तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं टीवी पर नहीं आऊंगा। डोंट बी सिली राजू, तुम्हें आना ही पड़ेगा। पर मैं टीवी पर अच्छा भी नहीं लगूंगा। ओ राजू, तुम बहुत हैंडसम हो। सच? हाँ हाँ संजना, मैं गीता बोल रही हूँ। गीता जी प्लीज, एक मिनट। गीता जी, देसाई मर्डर केस में सबसे बड़ा जबरदस्त सबूत क्या हो सकता है, जरा सोचो। सोचने को मत कहो गीता जी, मैं टीवी पर नहीं आ सकता। फोन दो मुझे। An eyewitness? What a terrific scoop! मैं इस eyewitness को खास महत्व देना चाहती हूँ। तुम सारी डिटेल्स रेडी रखना, ओके? Everything. आज 7 बजे की न्यूज के लिए एक सरप्राइज आइटम है। क्या? An eyewitness for Desai's murder. पूरी ए भगवान, इस टीवी से बचा ले, तुझे तो मालूम है मैंने कोई मर्डर नहीं देखा। बचा ले। तुम इस लड़की की पूजा क्यों कर रहे हो? अरे क्या हुआ राजू, ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं थी गीता जी, अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा मतलब इसका स्वर्गवास हो गया है? How tragic. Very, very. बहुत प्यार करते थे उससे? बहुत गीता जी, बहुत। इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज भी मैं उसी के ख्यालों में खोया हुआ था।
इसीलिए तो जब मैंने दरवाजा खोला और आपको देखा तो मुझे लगा कि मेरी वर्षा आ गई और मैं बेहोश हो गया। तुम मुझे अपनी वर्षा समझ बैठे? क्या मैं वर्षा की तरह लगती हूँ? जरा दिखाओ। लेकिन मेरी शक्ल तो इससे बिल्कुल नहीं मिलती। जानता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे आप में मेरी वर्षा दिखाई देती है। और शरीर तो कुछ नहीं होता गीता जी, आत्मा ही सब कुछ होती है। ओ राजू, सोचिए आज ही के दिन हमारी शादी होने वाली थी, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता, टीवी स्टेशन भी नहीं। लेकिन राजू, तुम्हारा टीवी स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना गीता जी, वर्षा का गम मुझे खाए जा रहा है, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता, आप चली जाइए। वर्षा भी नहीं, तुम ही ने तो कहा था कि मुझ में तुम्हें वर्षा दिखाई देती है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, वर्षा तुम्हारे सामने खड़ी है। वो तुम्हें जी जान से प्यार करती है, लेकिन इस वक्त वो बड़ी मुसीबत में है, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। क्या तुम उसे निराश करोगे? नहीं, मैं अपनी वर्षा को निराश नहीं करूंगा। तो फिर चलो ना टीवी स्टेशन। नहीं गीता जी, टीवी स्टेशन नहीं। सर, यस सर, देसाई के कत्ल का चश्मदीद गवाह राजू वेटर है। अच्छा, ये इडियट यहाँ कैसे आ गया? ओ माय गॉड, चलो चलो जल्दी, बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है? यहाँ से? हाँ चलो भागो। अरे आप भागे, मैं क्यों भागू? गीता, ए गीता, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। वो साला वेटर का बच्चा कत्ल का चश्मदीद गवाह है। हम 10 तक गिनती करेंगे। 10? ए, 10? सॉरी सर, 1 से? यस, 1। अब तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अगर शिंदे के हाथ लग गए तो गिरफ्तार करेगा ही और तुम्हें मार मार के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देगा। अब चलो भी। हे भगवान, वाकुआ दिखाई, मैं क्या करूं? भगवान चलो चलो जल्दी, दरवाजा तोड़ दो रोकड़े। जय भवानी। सर सर, तोड़ दिया, तोड़ दिया। ढूंढो ढूंढो दोनों को, कहां है वो दोनों? कहां है? कहां है सर? गाड़ी की आवाज, आवाज, चलो ड्राइवर, चलो जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो, चलो। साला इडियट, पांचवी बार मुझे छोड़ के चला गया। हेलो, आ रहे हो? नहीं नहीं, हम आ गए, अभी नीचे आ रहे हैं। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। या या गीता, अरे वाह, व्हाट अ स्कूप, तुम्हारी फिटनेस को ले आई, कमाल हो गया। गीता जी, गीता जी, कांग्रेट राजू, कांग्रेट। ये कपड़े कौन से पहने? नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा इंटरव्यू मुंबई शहर में खलबली मचाने वाला है, खलबली। गीता जी, गीता जी, प्लीज एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट बात करनी है। गीता गीता, ओनली 5 मिनट्स फॉर द न्यूज़। ओह माय गॉड, इसके कपड़े भी बदलने होंगे, लास्ट चेंजेस कॉस्ट्यूम। ओके गीता जी, गीता जी, संजना मेरी फाइल कहाँ है? ये लो, इस फाइल में मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, बीच में क्लिपिंग्स भी है। राजू राजू, ये मिस्टर पिंटो है, हमारे ग्राफिक आर्टिस्ट। जब तुम टीवी पर खूनी का हुलिया बताओगे ना, तो ये उसकी हूबहू तस्वीर बनाएंगे। हां, तस्वीर बनाएगा। गीता जी, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। गीता जी, गीता जी प्लीज, गीता जी मैं बात करूंगा। राजू बाद में। संजना, देसाई पटेल की फोटोग्राफ कहाँ है? एक मिनट, अलका फोटोग्राफ को। अरे चलो बाबा, कपड़ा बदली करेगा। अब नहीं बदलेगा, फिर ऐसे रहेगा, ये चड्डी बनियान में फुटबॉल खेलेगा। गीता गीता, 2 मिनट्स लेगा। गीता जी प्लीज, अभी टाइम नहीं है राजू, मुझे कपड़े भी बदलने। गीता जी सुनिए ना, गीता जी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं राजू, प्लीज प्लीज प्लीज, गीता जी अकेले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ भी कहना है कैमरा के सामने कहो, अभी टाइम नहीं है। गीता जी, मैं कैमरा के सामने क्या कहूँगा? गीता जी, जो कुछ भी तुमने देखा सही सही बयान कर दो, इट्स सिंपल, डोंट वरी। सिंपल मैं क्या बयान करूँगा गीता जी, मैं कुछ देखा ही नहीं है। जय माँ काली, आई विटनेस की शोक। राजू तो मर गया। राजू, गीता जी, गीता जी प्लीज मेरी बात सुनिए। दर्शकों, आपके फेवरेट प्रोग्राम गीता कपूर टुनाइट में गीता कपूर आपका स्वागत करती है। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि पटेल और जाली नोटों की स्कैंडल की जड़ तक हम पहुंच कर ही रहेंगे, और आज हमने इस केस में एक सेंसेशनल कामयाबी हासिल की है। अभी हाल ही में कत्ल की 2 वारदातें हुई, मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दफ्तरी और एक बिजनेसमैन मिस्टर देसाई। क्या इसमें माफिया का हाथ है? इन सब सवालों का जवाब हमें मिल सकता है आज के हमारे रोमांचक आई विटनेस से। जी हाँ, आई विटनेस यानी कि चश्मदीद गवाह, जिन्होंने ये मर्डर खुद अपनी आंखों से देखा है। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर राजू भटनागर का, एक दिलेर और बहादुर नौजवान जिसने अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलने का बीड़ा उठाया है।
मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा। भगवान बचा ले मुझे। ए राजू दा, राजू दा, बारा, बारा। नहीं, नहीं, अरे बाहर नहीं आऊंगा। अरे गीता मैडम बुलाता है तुमको। अरे बाहर भी नहीं, गीता मैडम मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा। मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने बोला ना मैं बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ए बाबू मोशाई हाथ जोड़ तोड़ता है, हाथ जोड़ तोड़ता है बाबू मोशाई, हाथ जोड़ तोड़ता है, हाथ जोड़ तोड़ता है। ए शालिनी, ए शालिनी, इमरजेंसी, तुम जाके गीता को बोलो वो आने को ना बोलता है। बाहर भी नहीं गीता मैडम, बाहर में, बाहर में किया बोलो। गीता, गीता इमरजेंसी। अनाउंस ब्रेक, ब्रेक। तो दोस्तों हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिकॉर्ड करो इस कमीने का बयान। यस बॉस। अगर इसने केतु को देखा है तो इसकी आवाज बंद करनी होगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? एन वक्त में धोखा दे रहे हो? तुमने वादा किया था ना इंटरव्यू देने का। वादा? कौन सा वादा? मैंने कोई वादा नहीं किया था। मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। You can't go from here. What nonsense is this? राजू, राजू, मैं भी देखती हूँ तुम इंटरव्यू दिए बगैर कैसे जाओगे। फंस गया ओ बाप, मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया। ओहो सोचा था क्या, माय गॉड क्या से क्या हो गया, अल्लाह क्या ये हो गया, ए राम मैं तो फंस गया, देखो मैं तो फंस गया। ओहो ऐसा भी क्या यार, छोड़ोगे मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया। ओहो इंटरव्यू दे देना, जो कुछ हो कह देना, लाइफ तेरी बन जाएगी, वाइफ तुझे मिल जाएगी, जीरो से हीरो बन जाएगा। हाय हाय मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया। ओहो लाइट्स कैमरा एक्शन। मेरे पीछे पड़ गई तू बाबा, खाली ये बतला दे क्या तूने देखा, क्या देखा था मैं भूल गया रे एकदम, ए तुझको मेरी कसम, ऐसा भी क्या यार, छोड़ो भी इनका, जो कुछ देखा है कह डालो। हाय हाय मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया। ओ हो इंटरव्यू दे देना, जो पूछूं कह देना, लाइफ तेरी बन जाएगी, वाइफ तुझे मिल जाएगी, जीरो से हीरो बन जाएगा। हाय हाय मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया। ओ हो दादा मांजा गुरु मांजा बाप मांजा भाई मांजा, दादा मांजा गुरु मांजा बाप मांजा भाई मांजा।
जो मांगेगा दूंगी बतला दे, मुझको मेरे घर तक पहुंचा दे। मैं हूँ ना फिर काहे काहे गम, अरे तू ही तो है मेरा गम। ऐसा भी क्या यार, छोड़ो भी इनकार, जो कुछ देखा है कह दो ना एक बार। हाय हाय मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, कब्बा मैं तो फंस गया, ओहो। राजू समझने की कोशिश करो। मुझे, राजू मुझे मुझे कुछ नहीं समझ। प्लीज राजू, मैं इंटरव्यू अनाउंस कर चुकी हूँ। सुनो, मैं अपने दर्शकों को धोखा नहीं दे सकती। प्लीज राजू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सुनो, क्या तुम अपनी वर्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। राजू तुम्हारी वर्षा मुसीबत में है, ये उसकी इज्जत का सवाल है। अगर तुम टीवी पर नहीं गए तो उसकी नाक कट जाएगी। कट जाए, वैसे भी मेरी वर्षा नहीं है। हूँ राजू, जरा इधर देखो तो सही, मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी वर्षा को तुम्हारा ही सहारा है। वो तुम्हें जी जान से प्यार करती है पागलों की तरह। क्या तुम अपनी वर्षा की मदद नहीं करोगे? हाँ राजू, हाँ बोलो ना राजू, तुम मदद करोगे ना? कहो ना, हाँ राजू बोलो ना। नहीं नहीं, आप गीता हैं, आप मेरी वर्षा कभी नहीं हो सकती। अच्छा ये बात है। थ्री टू वन स्टार्ट। तो लीजिए दर्शकों, आपका इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया। मिलिए हमारे मेहमान से, मिस्टर राजू भटनागर। मिस्टर भटनागर, क्या मिस्टर भटनागर? अबे ओ वेटर, राजू राजू। हाँ जी जी जी, पूछे पूछे, क्या पूछ रही थी गीता जी? तो आपने मिस्टर देसाई का मर्डर खुद अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आंखों से देखा है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ? हाँ, हुआ ये था कि क्या हुआ था? हाँ, जैसा आपको पता है कि मैं ओडीपी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता हूँ। होटल सम्मान नाम है उसका, अपने एरिया में सबसे पॉपुलर है वो। आप लोग भी आइएगा, वहाँ का जो पेपर डोसा है ना, फैमिली डोसा, कमाल का है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर राजू, जब आप अंदर गए थे तो क्या खूनी वहाँ पे था? वो दिखने में कैसा था? क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं? हुलिया? हुलिया, हुलिया अच्छा था गीता जी, बहुत अच्छा था, जैसे हर कातिल का होता है। लेकिन लेकिन उसकी कोई खासियत, कोई ऐसी बात जो अलग हो? नहीं गीता जी, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ गीता जी, खासियत थी। क्या? उसके बाएं हाथ पर एक गुदने का निशान था। गुदना? यू मीन टैटू? हाँ, खोपड़ी का। खोपड़ी? खोपड़ी गीता जी, जिसके नीचे डेंजर लिखा होता है। गुड, वेरी गुड, राजू इज डूइंग ग्रेट। अब ये बताओ, उसके उसके कपड़े कैसे थे, कुछ याद है? कपड़े थे गीता जी, काले कोट पे काला शर्ट, नहीं, काली शर्ट पे काला कोट था। अच्छा? काली पैंट थी, काले लंबे बाल थे, और हाँ, वो अपने दांत ऐसे कचकचाता था, ऐसे नहीं, ऐसे। नहीं गीता जी, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे। क्यों बे राजू के बच्चे, हमें चकमा देकर तू क्या टीवी के सामने हीरो बन रहा है? देखिए, आप इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये अपने मर्जी से यहाँ आए हैं। अब यहाँ से जाइए और हमें अपना इंटरव्यू खत्म करने दीजिए। अरे इंटरव्यू तो हम लेंगे इसका, पुलिस थाने में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। रिकॉर्डिंग चालू है ना,
आप लोग देख रहे ना, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। दर्शकों, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल रात किसी वक्त इसी प्रोग्राम में मिस्टर राजू पटनाकर से दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए गीता कपूर का नमस्कार और शुभ रात्रि। रोहित को इन्फॉर्म करो, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, देख लूंगी शिंदे के बच्चे को। हरामखोर गधे कहीं के, अपने आप को बड़ा तोप समझता है, और वहां आई विटनेस छोड़ के आ गया। लेकिन भैया, वो तो रूम के बाहर चला गया था, पता नहीं उसने मुझे कब देख लिया। गधे, अगर तू मेरा भाई ना होता तो मैं तुझे गोली मार देता। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, मुझे वो वेटर किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आप फिक्र मत करो भैया, ये वेटर कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। गीता जी, बताइए मैं क्या करूं? घबराओ मत राजू, माफी मांग लो, पैर पड़ लो, कुछ भी कर लो, ये तुम्हें छोड़ देगा। बस मेरा एक काम करना होगा। और आपके लिए कितने काम करने हैं गीता जी? ये भी तो आप ही का काम है। बस एक सुनिए, मैं इनसे अकेले में 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? थैंक यू, आ जाऊं। राजू, बस एक काम और, कातिल का हुलिया गलत बताना। गलत क्यों? ये शिंदे बिल्कुल गधा है, वो पूरे केस का सत्यानाश कर देगा, इसीलिए बेहतर यही है कि उसे कातिल के बारे में कुछ पता न चले। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। राजू प्लीज, मेरे लिए नहीं, 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 तुम्हारी वर्षा के लिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम अपनी वर्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, गीता जी, आप मेरी वर्षा नहीं। राजू, आप मेरी वर्षा। ओके गीता जी, मैं अपनी वर्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए, ओके, चलो। रोकड़े सर, तुम कंप्यूटर पे बैठ जाओ। यस सर। राजू, तुम जो जो बोलोगे हम कंप्यूटर में फीड करेंगे। हाँ, तो बताओ राजू, कातिल का हुलिया कैसा था? सर कैसा था सर? डरो मत राजू, बोलो। सर उसका कद इतना था सर। इतना? गलत हुलिया, गलत। नहीं सर, इतना। बोना कातिल सर, बोना। नहीं सर, 5'6" था सर। हाँ लिखो, 5'6" 5'6" और आंखें कैसी थी? बड़ी थी सर। नहीं नहीं सर, छोटी छोटी छोटी। और ये नाक कैसा था? सर नाक सर फूला हुआ था सर। नहीं नहीं सर, चपटा था। चपटा नहीं, फूला नहीं, तो फिर क्या? लंबा। लंबा था सर, लंबा लंबा। सर आपका फोन है। फोन है, रोकड़े कंटिन्यू। यस सर, मैं अभी आता हूँ सर। क्यों सच बोलते हो राजू, कुछ भी बोल दो। गीता जी, बड़ा मुश्किल होता है जिसका वजूद ही नहीं, उसका हुलिया कैसे बताऊं? हजारों लोगों का चेहरा देखा होगा वेटर गिरी करते हुए, कुछ भी बोल दो। ए, ए, काई पस पस? काई नहीं। कमिश्नर साहब का फोन था, खामखा डांट रहे थे। जल्दी बता, कातिल का हुलिया कैसा था? मेरा मूड खराब मत कर, जल्दी बता। एक मिनट सर, मैं सर याद करूं। अरे इतनी देर लगती है क्या याद करने को? जल्दी बता वरना लॉकर में बंद करूंगा। सर ये देखिए, ये माउस टूट गया। टूट गया? पुलिस डिपार्टमेंट को बिल भेज दो। सर ये पुलिस का ही माल है। पुलिस का है, रख दो। बोल दो, एनकाउंटर में गोली लग गई। राजू जल्दी बता, कातिल का हुलिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलो। कल 5'6" सर, सीना 40, कमर 48, चेहरा फूला हुआ, नाक मोटी, छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े होंठ, रंग काला, ठुड्डी डबल, घुंघराले बाल, मोटी टोन, 80 किलो। दूसरे देखो तो ऐसा लगेगा कि आठ आखड़ा चला आ रहा हो। वाओ, गुड। रोकड़े यस सर, कंप्यूटर में फीड कर दो। यस सर, देखते हैं कातिल का हुलिया कैसा आता है, जल्दी। यस सर। तुमने तो मशीन गन चला दी। गीता जी, आपने तो कहा था कोई जाने माने का चेहरा बयान कर दो, सो कर दिया। सर सर, ये तो शक्ल से ही कातिल दिखता है। यस सो स्वीट राजू, यू स्वीट टू गीता। ये देखो राजू, ए राजू। यस सर, यही है ना वो किलर जिसको तुमने देखा था? नहीं सर, ये गड़बड़ हो गई सर। क्या बक रहे हो, कंप्यूटर कभी गड़बड़ नहीं करता, उसने वही तस्वीर बनाई जो तुमने बताई। बोलो राजू, ठीक है या नहीं? नहीं नहीं सर। बोलो,
या तुम झूठ बोल रहे थे? हाँ ये कथित सर। गुड, अब तुम जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर मत जाना, हमें तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू मिस्टर शिंदे। रोकड़े, जल्दी से इसकी फोटोकॉपियां निकालो, सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, पूरे पुलिस फोर्स को इसके पीछे लगा दो, देखता हूँ बचकर जाएगा कहाँ साला। सर जाओ। बड़ा मजा आया, पूरी पुलिस फोर्स ऐसी आदमी को ढूंढते फिरेगी जिसका कोई वजूद ही नहीं होगा। लेकिन गीता जी, मान लीजिए ऐसा कोई आदमी निकला है तो क्या हुआ? पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेगी और उसे कबूल करवाएगी कि खून उसी ने किया है। लेकिन गीता जी, उसने खून किया ही नहीं, वो तो बेकसूर है। राजू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता नहीं थर्ड डिग्री टॉर्चर कितना भयानक होता है? मुजरिम को बर्फ की सीली पर लिटाया जाता है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं खून नहीं है। मर के बेचारा। और गीता जी, उल्टा टांग कर नीचे से मिर्ची का धुआं छोड़ा जाता है। मैं कत्ल बदले ले गया। और गीता जी, ट्रक के टायर में लटकाकर एड़ियों पर डंडे बरसाए जाते हैं। देखे। हाँ राजू, पुलिस के डंडे में बहुत ताकत होती है। मैं कातिल है साहब, मैं मर्डर किया। मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी फोन करना है, मेरी अर्जेंट। भी ए, फोन एक मिनट। हेलो हेलो कुट्टी मोबाइल। हेलो शनुकरण शंकरण दामोदरन पल्लिकाड़े कुट्टी। अबे कुट्टी मेरी बात सुन। राजू ये तेरा जेर इटर रे, ये वर्चा मेरे साथ में रे, बात करेंगा? अरे नहीं बात करनी उससे मुझे, मेरा बहुत खास दोस्त, ले बात कर। हाय राजू। हाय हाय, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ज्यादा बात नहीं करेगा, बहुत हैंडसम है। ओके ओके, हेलो। हाँ बोल कुट्टी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तू घर के बाहर मत जा। ए राजू क्या बात करते रे, आज का स्पेशल दिन, आज मई वर्षा मई डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाता रे। बाहर नहीं गया डिनर, मैंने कहा तू घर के बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। hey, मैं बार रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है, मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है, तू भी नहीं है। ओके मोबाइल है। फोन कर दिया। वर्षा आज अपना पहला मुलाकात खाने के लिए डाल बात। वर्षा खाना खा ले, आज मेरे साथ खाना खा ले। बिल का क्या बात है, ये मेरा शेर है। चल जल्दी करो राजू, हमें निकलना है फौरन। हाँ गीता जी, निकलते हैं, निकलते हैं बस। अरे ये तो माफिया के लोग हैं, चलो भागो। जवान ये फटाके कौन फोड़ रहा है रे? अरे किसकी हिम्मत है पुलिस स्टेशन के सामने फटाके फोड़ने की? गीता जी, मैंने चकमा देता हूँ, आप गाड़ी निकालिए। ओके। क्या हुआ सर, ये शोर कैसे है? अरे शोर नहीं, मशीन गन है, मशीन गन। लानत है रोकड़े, इस शहर में सबके पास मशीन गन है सिवाय हमारे। राजू, उस गाड़ी में बंद बैठो, उसमें आग लगी हुई है। राजू फायर। चलो राजू जल्दी चलो। ये मुझे कहाँ ले आए गीता जी? ये हमारे चैनल का गेस्ट हाउस है, आज रात हम यही रुके। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों क्यों राजू? बस गीता जी बहुत हो गया, आपको मेरे टीवी पे इंटरव्यू चाहिए था, मैंने दिया। पुलिस को गलत हुलिया बताना था, मैंने बताया। अब भगवान के लिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। राजू क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगे? अब क्या है गीता जी? चलो अंदर बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं अपने दर्शकों को वादा कर चुकी हूँ,
कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू कल दोबारा दिखाऊं। नहीं नहीं गीता जी, मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है। राजू राजू प्लीज लिसन टू मी, मुझे तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे चाहिए बस। ओके गीता जी मेरी बात तो सुनिए। किस चक्कर में फंस गया राजू, किस चक्कर में? एक लड़की के प्यार में तेरे तो पीछे सारी की सारी माफिया पड़ गई, और तूने तो अपने दोस्त गुट्टी को भी फंसा दिया। गुट्टी, गीता जी मैं जा रहा हूँ। राजू सिर्फ 24 घंटे की तो बात है, क्या तुम अपनी वर्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं गीता जी, आप मेरी वर्षा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरी वर्षा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या था तुम्हारी वर्षा में? कोई अप्सरा तो नहीं थी? तस्वीर देखी है मैंने। सिर्फ तस्वीर देखी है ना आपने, सचमुच तो नहीं देखा ना? अब मैं क्या बताऊं गीता जी, क्या लड़की थी वो, उसकी तो हर अदा निराली थी। अच्छा, किस तरह चलती थी? ऐसे? इस तरह बैठती थी? बालों को ऐसे सवारती थी? यूं? इस तरह तुम्हें देखती थी और फिर नजदीक आती थी, तुम्हें छूती थी, फिर प्यार करती थी और तुम्हें कुछ होने लगता था? राजू, क्या मैं इतनी गई पीती हूँ कि 24 घंटे के लिए तुम्हें अपने पास नहीं रोक सकती? बिल्कुल बिल्कुल रोक सकती है गीता जी, क्यों क्यों नहीं रोक सकती? तो फिर रुको ना, मैं अभी आई। गीता जी जल्दी आना। राजू ये तू कहाँ फंस गया रे? बस ऐसे ही फंसते रहना जिंदगी भर के लिए। मेरी वर्षा भी तुम हो, मेरी गीता भी तुम हो, मेरी रातें भी तुम हो, मेरी सुबह भी तुम हो। नमस्कार, एक विशेष सूचना, पुलिस को एक खतरनाक कातिल की तलाश है। जनता को ये सूचित किया जाता है कि इस खूनी से सावधान रहें। इसने दो और भी कर सकता है, ये एक पेशेवर कातिल है और माफिया से काम करता है। इसके पास कई तरह के हथियार हैं, जैसे कि खंजर, पिस्तौल। मैंने सुना प्यार में दिल के घंटे बजता, तुमको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन ये दिल की घंटी नहीं, मोबाइल की घंटी है। इंटरप्शन, ये तो बार बार इंटरप्शन रे। अबे गधे, फोन क्यों नहीं उठाता? देख तू मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता, तू खाली फोन रख रहा। ओह नो, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं कुट्टी, मैं ये साफ करके आती हूँ। आना राजू, डेविल तेरे को क्या प्रॉब्लम रे? तू गीता से प्यार करता, मैं तेरे को डिस्टर्ब किया? कहीं भी दिखाई दे तो मेरे काले में इससे दूर रहे और तुरंत पुलिस को सूचित करें। बोलने का, बोल मेरे को। हमारे फोन नंबर्स हैं 333। ए कुट्टी, तेरे को बोला था ना घर के बाहर ही निकलने को, तू क्यों बाहर निकला? क्यों नहीं निकलने का? मैं किससे डरता क्या रे? ये सिटी में कर्फ्यू लगा रे। कर्फ्यू समझ ले, पूरी पुलिस फोर्स मुझे ढूंढती फिर रही है। पूरा पुलिस फोर्स मेरे को ढूंढ रहा है कहीं के लिए? वो तुझे पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है। ओ मेरे को गिरफ्तार करने के लिए मेरे क्या भाई, बैठो बैठो रे, आपस की बात है। काहे को मेरे गिरफ्तार करेंगे? हाथ लगा के देखने दे, मेरे धज्जे उड़ा देंगे। मई क्या मैं किसी का खून किया रे? एक नहीं गधे, दो दो खून। यार के मैं एकदम खतरनाक किलर है तो पुलिस के पास मेरा कोई सबूत भी होएंगे ना? हाँ है ना, एक चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। आई विटनेस? अच्छा कौन रहे वो ग्रेट आदमी, कौन रहे? बोल। वो भला आदमी मैं हूँ, मैं। तूने मेरे को देखा मर्डर करने के टाइम पे? क्या जोक करते रहे तू? कुट्टी कुट्टी मैं जोक नहीं मार रहा मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ। एक सच तू भी सुन रहे, अभी जल्दी फोन रख देने तो मैं तेरा भी खून कर डालेगा। रख फोन तो। कुट्टी सारे ने फिर फोन काट दिया। मई मर्डर, मई बहुत बड़ा मर्डर। आपको जरूर जरूर कौन सा पिक्चर है? क्योंकि ये इस देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। आप हमारे फोन नंबर फिर से नोट करें। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए गीता जी मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है और मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी कोई जालसाजी नहीं चलेगी, समझ गई ना? ओके
ओके राजू, तुम जाओ, बेशक जाओ। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले अपनी वर्षा को एक गुड नाइट किस तो देते जाओ। नहीं 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 गीता जी, देखो आप लोग गलत फहमी हो गया, आप लोग डरने के नहीं, मैं कूड़े नहीं हूँ। देखिए मैं सीधा आदमी हूँ, मेरे एक छोटा होटल है भोटी एरिया में। देखो आप लोग मेरे को छोड़ेंगे ना तो ये चाकू भी छोड़ दूंगा मैं, सच्ची बोलता हूँ। चिल्लाने का नहीं, मार दूंगा मैं नहीं मारेगी तुमको। आप लोग काय को तो डरा हुआ है, मैं आप लोगों को ज्यादा डरा हुआ है। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं खून नहीं हूँ सर। चुप। हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे खून करते हुए देखा है। कौन? राजू। राजू 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 हाँ राजू 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 राजू, ये कौन सा बदला लिए रे तुम मेरे से? ए राजू, राजू 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 रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। रुको, I will shoot you. रुक जाओ, रुको, रुक जाओ। राजू, मेरा इंटरव्यू दिए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। कल के बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। गीता जी, ये तो बम था, कोई हम दोनों को उड़ा देना चाहता था। गीता जी, आपको तो खून निकल रहा है गीता जी। इसका मतलब ये लोग तुम्हारा मुंह किसी भी कीमत पर बंद कर देना चाहते हैं। और अगर तुमने भागने की कोशिश न की होती तो हम दोनों इस बॉम्ब के साथ उड़ गए होते। हेलो। हाँ गीता, मैं गुल मोहम्मद बोल रहा हूँ। गुल मोहम्मद तुम? हाँ गीता, देखो मेरा इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं इस शहर छोड़कर जा रहा हूँ। पहले मेरी एक बात सुन लो गुल मोहम्मद, छोटी सी, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? सिर्फ एक बात, मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से डायमंड हार्बर पहुँच जाओ, हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी हो जो तुम्हारे भाई तक तुम्हें पहुँचने में मदद करे। सच? गुल मोहम्मद थैंक यू, मैं अभी आई, मेरा इंतजार करो, बाय। आपके भाई के साथ क्या हुआ था गीता जी? क्या करोगे जानकर, तुम यहाँ से जाना चाहते थे ना राजू? मैं तुम्हारी जान को और खतरे में नहीं डालना चाहती, तुम जा सकते हो। लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता गीता जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। रहने दो राजू, आगे और भी खतरा होगा, ये तो नसीब था कि तुम्हारी जान बच गई। देखिए गीता जी, नसीब नहीं हमें मिलाया और नसीब नहीं हमें बचाया, और ये भी शायद नसीब ही है जो मुझे आपके साथ आने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे आपके साथ आने दीजिए गीता जी,
नहीं राजू नहीं। चलिए गीता जी। राजू लगता है वो अब तक आया नहीं, लेकिन वो जरूर आएगा और उसी के जरिए मैं अपने भाई तक पहुंच सकती हूँ। कहाँ है तुम्हारा भाई? वो भी चैनल 2001 के लिए काम करते थे और इसी जाली नोट स्कैम की छानबीन कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो लापता है। जो यही बेकरारी अंजाम आगे जाने क्या हो?
भी संभाला था जिगर को कि ऐसा धड़का ये दिल के तोबा दिखने लगा दिन में तारा दिल है दीवाना तुम्हारा करता भी क्या है बेचारा दिल है दीवाना तुम्हारा हम तो मोहब्बत करेगा सर लगता है मरा पड़ा है नहीं नाश्ता कर रहा है रोकड़े क्यों मजाक कर रहे हैं सर इडियट शट अप जी अरे देख क्या रहे हो स्ट्रेचर लाओ चलो शाबाश जल्दी चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर हाँ ये तो वही गुल मोहम्मद है जो पिछले 6 महीने से जेल से फरार था अच्छा अरे यही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी तुम्हारे भाई तक पहुंचने की ओह माय गॉड सर लाश की जेब से ये सामान निकला है क्या कब यहाँ रहता था लगता तो यही है हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में क्या हुआ गीता जी कोई है जो मुझे कुछ कहना चाह रहा है बताना चाह रहा है मुझे बुला रहा है गीता गीता हेलो गीता मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मुझे ढूंढ ही निकालोगी मेरी फेवरेट किताब से मैं इस पल शायद तुमसे बहुत दूर हूं फिर भी हमेशा की तरह तुम मुझे बहुत करीब महसूस करोगी अपने दिल में आज मैं तुझे एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूं मेरी बहन आप बीती मेरी अपनी कहानी जिसकी शुरुआत हुई एक गुल मोहम्मद से ये गुल मोहम्मद NBI
यानी कि नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के श्रेडिंग सेक्शन में काम करता था। जो फटे पुराने नोट बाजार में और नहीं चलते, उन्हें यहां लाकर पहले कतरा और फिर जला दिया जाता है, और उसके बदले में एनबीआई से नए नोट मार्केट में आ जाते हैं। एक दिन इस गुल मोहम्मद के हाथ में एक ऐसा नोट आया जो उसे कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा तो पाया कि वो नोट असल में जाली था, यानी कि नकली। उसने सारे बैग चेक किए, सारे के सारे बैग नकली नोटों से भरे हुए थे। गुल मोहम्मद के तो होश उड़ गए। वो घबराए हुए अपने डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर पटेल के पास गया और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। लेकिन ये पटेल खुद इस जाली नोट रैकेट में शामिल था, उनका की प्लेयर। उसने बड़ी चालाकी से गलत आरोप में गुल मोहम्मद को फंसा कर जेल भिजवा दिया। बेचारे गुल मोहम्मद ने अपनी बेगुनाही बतेरी चलाई, लेकिन उसके किसी ने सुनी नहीं। तब उसकी बेटी सादिया मेरे पास आई और उसने सारा किस्सा सुनाया। मैंने उसे प्रॉमिस किया, मैंने उसे वादा किया कि मैं इस केस की तह तक जाकर रहूंगा। कई दिनों की मेहनत के बाद मुझे ये पूरा रैकेट क्या है पता चला। करोड़ों रुपयों के जाली नोट छापे जाते हैं, फिर उन्हें मैला और फटा पुराना बनाया जाता है, और उनके बदले में एनबीआई से ताजे ताजे असली नोट ले लिए जाते हैं। मैं समझ गया कि इस दफे मैं आग से खेल रहा हूं और मेरी जान भी जा सकती है। पर सो व्हाट, बाय चांस अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस जंग को आगे बढ़ाओगी, तुम ये लड़ाई जारी रखोगी। गीता, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बहन, याद रखना, ओके? और मेरी ये मुस्कान भी जो तुम्हें बहुत पसंद है ना, अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं, बस गीता जी बस, आप रोइए मत, अपने भाई की बात याद रखिए। 6 महीने हो गए भैया को गए हुए, मुझे अकेला छोड़ के, बिल्कुल अकेला। आप अकेली नहीं है गीता जी, मैं भी आपके साथ हूँ उस लड़ाई में जो आपके भाई ने शुरू की थी और अब आपको जारी रखनी है। कब तक साथ दोगे? आखिर तक, जब तक आप जीत नहीं जाती, मेरी एक एक सांस आपकी होगी गीता जी, मरते तब तक। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सबूत पाना बहुत मुश्किल है राजू, अब तो सिर्फ तुम्हारी गवाही का सहारा है। उसी के जरिए हम इस केस को सॉल्व करेंगे और मेरे भाई तक पहुंच सकते हैं। गीता जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस बारे में राजू? ये केस के बारे में गीता जी, मैंने कहा था ना, मैंने खून होते हुए देखा है। हाँ बोलो राजू, कोई नई बात याद आ गई जो तुम बताना भूल गए? वो क्या कि अब मैं कैसे बताऊं? इतने परेशान क्यों हो रहे हो राजू, रिलैक्स, जो भी कहना है घर पहुंच के कह देना। और वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू सो मच राजू। ये थैंक यू क्या गीता जी, मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। जी राजू घर पे है? हाँ अंदर आके बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। राजू तुम्हारा नाम वर्षा है? जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ये सारी तस्वीरें तुम्हारी हैं? जी हाँ मेरी है, लेकिन देखिए आप प्लीज जल्दी से राजू को बुला दीजिए प्लीज। राजू तुम्हें कोई मिलने आया है। आ रहा हूँ मेम साहब। राजू मैं वर्षा हूँ, कुट्टी की दोस्त। राजू कुट्टी बहुत मुसीबत में है, वो थाने में बार बार तुम्हें याद कर रहा है, तुम प्लीज जल्दी से उसके पास पहुँचो, मैं वकील को लेकर आती हूँ। ओके
से झूठ क्यों बोला तुमने? क्यों कहा कि वर्षा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और मर गई? बोलो, जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं गीता जी, क्या बोलूं? जो भी कहूंगा सच होगा, लेकिन फिर भी झूठ जैसा ही लगेगा। कल रात जब आपने टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए जिद की तो मैं घबरा गया, और टीवी से बचने के लिए न जाने मैंने क्या क्या झूठ बोल दिए। लेकिन क्यों, टीवी से क्यों बचना चाहते थे? तो क्या वजह थी? वजह बहुत बड़ी थी गीता जी, अपनी बेवकूफी और पागलपन में एक और झूठ निकल गया मेरे मुंह से, एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक झूठ। कौन सा खतरनाक झूठ? कि मैं खून का चश्मा जीत गवाह हूँ। सच तो यह कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कातिल के बारे में जो भी कहा था वो सब झूठ था, और ये सब कुछ किया मैंने अपने प्यार के लिए। लेकिन राजू, तुम्हें पता है, तुम्हारे इसी प्यार ने मुझे लाखों दर्शकों की आंखों में झूठा बना दिया। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? कैसे बताऊंगी कि असलियत क्या है? तुमने तो मुझे उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया। पिछले 6 महीनों की मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें, मेरे भाई की सारी तपस्या, सब कुछ तुम्हारे एक झूठ ने मिट्टी में मिला दिया। मैं ऐसे झूठे को कभी माफ नहीं कर सकती। तुम तो उन जाली नोटों से भी ज्यादा जाली निकले जो बाजार में चलते हैं। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मेरा विश्वास करो साहब। मैं आज तक कॉकरोच नहीं मारा। आदमी को कैसे मारेंगे साहब? आपको कोई भटकाया? रोकड़े ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़े झटके देने पड़ेंगे। इसको मेरे रूम में लेके आओ जल्दी। ओके सर। रोकड़े। यस सर। इसका पहले तुम पे ट्राई करते हैं। लो पकड़ो। सर ट्राई क्या करना है सर? नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त है ये, डायरेक्ट इस पे ट्राई करो। रोकड़े। जी। मेरे ऑर्डर ना मानने की हिम्मत कैसी की तुमने? सर ये पकड़ो। यस। कितने मर्डर किए तुमने? कुट्टी देखा ना, है ना जबरदस्त, है ना डंडे की कमाल। यस। आपने भी मर्डर किया होगा ना सर? चार डॉक्टर में। अरे ये कोई बिजली बंद करो। अरे किस उल्लू के पट्टे ने ये करंट ऑन किया? सर आपने कहा था यस तो मैं यस। यस उल्लू के पट्टे, काम रहे तू खड़ा रह जा, चल आग। कुट्टी अब पकड़िए डंडे और देख कमाल 440 वोल्ट का, 1 मिनट में सारे मर्डर बाहर आ जाएंगे। पकड़। चाल कर, चाल मत करना, चाल मत करना अम्मा। मैं सब कबूल करता, मैं सब कबूल करता, मैं सब कबूल करता। तो बता कातिल तू है या नहीं? मैं कातिल हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मैं सीरियल किलर है। कितने मर्डर किया तुमने? मैं 5 मर्डर किया। 5? अभी 5वां मर्डर करने के। किसका? मेरा वो मतलबी दोस्त का, जिसने मेरे को इधर फंसाया। मेरे को 1 घंटे का टाइम दो सर, मैं उसका मर्डर करके अभी आता सर। 1 घंटे का टाइम दो, आप मेरे को बोले यस यस। इस फ्लॉपी को स्पीड पोस्ट कर देना। हाँ सर। भूलना मत प्लीज। नहीं सर अभी कर दूंगा। हेलो गीता जी, मैं राजू बोल रहा हूँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए फोन मत काटिए गीता जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक फ्लॉपी के बारे में। जो क्या कहा था मैंने? कि मैं झूठे लोगों को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, इसीलिए दोबारा फोन करने की हिम्मत न करना।
कम ऑन गीता, भाई गलतियां किससे नहीं होती, तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ रोहित, अपने दर्शकों को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे कहूंगी कि इतने दावे के साथ जिस आई विटनेस को पेश किया था वो एक फ्रॉड था, झूठा मतलबी धोखेबाज था। कितनी बड़ी गलती हुई है मुझसे, उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। सजा तो उस कमीने वेटर को मिलनी चाहिए गीता, तुम्हारा कसूर तो सिर्फ इतना है कि तुमने उस आदमी पर विश्वास कर लिया। अपने भाई का उसूल हमेशा याद रखना गीता, कि जब तक सारे फैक्ट्स सारे सबूत हाथ में ना हो कोई कदम मत उठाओ। ये मत भूलो गीता कि तुम्हें भी एक महान रिपोर्टर बनना है, ठीक है अपने भाई की तरह। मैं उस काबिल नहीं हूँ रोहित, प्लीज मेरा इस्तीफा मंजूर कर लो। कैसे कर लो गीता, कैसे कर लो, मैं यहाँ काम करूँ और तुम मेरे साथ ना हो, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। हमने मिलकर क्या क्या नहीं हासिल किया गीता, और अब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। और विक्रम उसका क्या होगा, क्या उसे ढूंढना हमारा फर्ज नहीं है गीता, उसकी शुरू की हुई लड़ाई तुम अधूरा छोड़ के चली जाओगी। नहीं गीता नहीं, तुम्हें उन अपराधियों को ढूंढना है, उन कातिलों को पकड़वाना है। ठीक है, फिर से शुरू करूंगी जीरो से। गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। थैंक्स रोहित। ओके गीता, एक मिनट, बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा था, बहुत ही पर्सनल है। तुम तो जानती हो कि हमारे विचार एक जैसे हैं, हम एक ही प्रोफेशन में हैं, एक ही जैसा सोचते हैं महसूस करते हैं, मतलब हम दोनों के बीच में एक खास रिश्ता है, और मैं इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत और गहरा बनाना चाहता हूँ गीता। मैं कुछ समझी नहीं रोहित। बात दरअसल यह है गीता कि मैं बहुत दिनों से मन ही मन तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं गीता। इतनी हैरत से क्यों देख रही हो, मेरी बात पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, कितने पुराने और करीबी, मैंने तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा है, समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। रोहित मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ऑफ कोर्स गीता, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा जवाब अभी इसी वक्त थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात बताना चाह रहा था, सो बता दी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। ओके ये राज को मैं छोड़ेंगे नहीं, जय राज तेरे को मां। अबे तेरा बाप आया है तेरे को मिलने के वास्ते। अपा अपा नहीं, उसको बोलो वापस जाओ, वापस जाओ, बोलो बोलो मैं मर गया, पागल हो गया भाई, बोलो चिड़िया बन के उड़ के गया, बोलो बोलो यार बोलो। बाप तिलक बेटा कातिल। शट अप यू रास्कल, व्हाई मर, सॉरी सॉरी कन्ना, मैडम कन्ना मैडम, इधर देख बार पा इन्हें मोड़ चिरगप्पा, मैडम कुत्ते चेतार, मैडम फूल सब बच्चा, बद्रो ये मेरा बाप का आवाज तो नहीं। बाहर वर्षा तेरी रिहाई का इंतजाम कर रही है। शिंदे साहब, ये सब के सब वो कस्टमर हैं जो खून के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे, और इन सब का यही कहना है कि 1 से 2 बजे के बीच कुट्टी अपनी जगह पर मौजूद था, तो फिर वो खून कैसे कर सकता है सर? हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने खून अपने आँखों से देखा है। वन मिनट मिस्टर संडा, क्या है मैनेजर? ये क्या है, आपको याद है पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला का मर्डर हुआ था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। क्या मर्डर था सर, खूनी का अभी तक कोई पता ही नहीं है। आपको पता, उस खूनी का भी एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह? हाँ। कौन है कौन है कौन है? माय तुम, और खूनी कौन है, खूनी कौन है? आप। मैं। आप सर? चुप,
मैं कैसे खूनी हो सकता हूँ? जब झुंझुनवाला का मर्डर हुआ तब मैं थाने में बैठा हुआ था। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उसी तरह जब मिस्टर देसाई का मर्डर हुआ था ना, तो अपना कुट्टी रेस्टोरेंट में बैठा था। इसीलिए जैसे आप खून नहीं कर सकते तो कुट्टी भी खून नहीं कर सकता। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक सर, केस सॉल्व हो गया। या, हाँ, हाँ, कुट्टी, कम हियर, तुम घर जा सकते हो। थैंक यू सर। कुट्टी, कुट्टी, तेरे को याद है मैंने तेरे को लिफाफा दिया था? तूने उसे पोस्ट नहीं किया ना? जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तेरे से बदला नहीं लेता, मैं तेरे को कुछ नहीं बताएंगे, जा। ए कुट्टी, बस कुट्टी बस, अब मुझे और ज्यादा टॉर्चर मत कर यार। सिर्फ इस बार मेरी मदद कर दे, इसके बाद तू जो कहेगा ना मैं करूंगा। चले, तू मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है, चल। क्या बात कर रहा कुट्टी? हाँ। मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तू तो मेरा दोस्त है यार। प्रॉमिस। प्रॉमिस कुट्टी? सिर्फ ये बता दे वो लिफाफा कहाँ है जो मेरी कोट की जेब में था? वो उधर ही है जिधर होना चाहिए। किधर? धोबी के पास। धोबी? कौन सा धोबी, कहाँ मिलेगा? धोबी घाट में, मुंगेरीलाल बंगड़ी के पास। वो भी तेरे तकदीर से, कपड़ा भट्टी में नहीं डाला हुआ तो। भट्टी? कुट्टी, तूने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? मुंगेरीलाल बंगड़ी, असली फ्लॉपी उसके पास है। चलो धोबी घाट, चलो धोबी घाट। रोकड़े, जीप निकालो। अरे भाई साहब, कहाँ है भाई? मुंगेरीलाल कहाँ मिलेगा? अरे कौन मुंगेरीलाल? नागपुर वाले, कानपुर वाले, जौनपुर वाले, इलाहाबाद वाले या पटना वाले? यह पांच पांच मुंगेरीलाल है। ओ माय गॉड, पांच? हाँ, छठा भी है बिजनौर वाला, वो अभी छुट्टी पे गया है। अरे वो जो होटल के कपड़े धोता है वो? अरे कौन होटल भाई, फाइव स्टार है, फोर स्टार है, थ्री स्टार है या आलतू फालतू है? आलतू फालतू बोलने का नहीं, सरमन होटल, सरमन होटल बोल। तो फिर फाइव स्टार बोलिए ना। वो है गंगेड़ी मुंगेरी लाल, आलतू फालतू का कपड़ा वही धोता है। आलतू फालतू नहीं, सनमान होटल। ए कुट्टी, कुट्टी, होटल का टाइम है, हल्का दो दो। सनमान बोलना। के तू मुंगेरी लाल बंगेड़ी, चलो रोकड़े। यस सर। फॉलो मी। जी सर। एक मिनट रोकड़े। यस सर। मुझे पहले ये बता कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? सर वो वेरी गुड सर। यस, अच्छा सवाल किया सर आपने। हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया सर। यस सर, मैं एक मिनट पता लगा के आता हूँ। बस वैसे हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? 500 करोड़ गधे, 500 करोड़। 500 करोड़ गधे तो पूरी दुनिया में भी नहीं होंगे बॉस। मंगल, गधा तो तू है, वो फ्लॉपी जिसके अंदर 500 करोड़ की जानकारी है। थैंक यू मंगल। ये कौन है तू? कौन है? आए, कोई नहीं। ये तू क्या कर रहा है कुट्टी? मैं यहाँ चेक कर चुका हूँ। मैं डबल चेक कर रहा हूँ ताकि दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं, मालूम? बेवकूफ, टाइम मत वेस्ट कर, तू वहां से चेक कर, मैं यहाँ चेक करता हूँ। ओके। हे रोकड़े। यस सर। मुझे एक बात बता। क्या? इतने सारे रुपए कोई धो के निचोड़ के सुखाने के लिए थोड़े ही रखेगा? सर दूसरी बार इतना अच्छा सवाल किया है आपने, लेकिन इसका जवाब है मेरे पास। क्या है? सर उन रुपयों की जानकारी एक फ्लॉपी में है। फ्लॉपी? हाँ। मिल गई, मिल गई, मिल गई रे फ्लॉपी। हाँ? मिल गई रे राजू। अबे गधे, ये फ्लॉपी नहीं, रेलवे पास है। कुटी, मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है, तो जल्दी से फ्लॉपी ढूंढ। राजू, क्या है? मुंगेरीलाल का चाचा रे, आजा। चाचा, मुंगेरीलाल किधर?
उसे हमारे कपड़े में कुछ मिला? कुछ मिला तो है, उसने अपने पास संभाल के रखा है। पर वो है कहाँ? वो शादी में गया हरिराम की मंजीरा बजाने के लिए। मंजीरा मंजीरा बजाने! गुट्टी भाग नहीं तो हमारा मंजीरा बजेगा। चाचा मंजीरा मंजीरा। महल का पतन तेरा क्यों भीगे जमुना जल में, आजा धुबनिया बाहों में तुझे शोला कर दो पल में। ओ सोने चांदी के लचके का पहने हुए करारा, सीने पर है चुना दुपट्टा है यूपी ने मारा। ले लिया मेरा दिल यूपी। गंज की छोकरी तेरा रूप उमड़ता दरिया, फिर क्यों ना खूजे हरी हरी मैं हरियाणे का हरिया। ओ मुटियार पंजाब की कुर्ता जालीदार बसंती, नशे की बोतल चढ़ी जवानी डोले झुकती तनती। ले लिया मेरा दिल तो आप और हमारे खोपड़िया काका थे, जरा सुनो। जमई के भैया घुमैयो दुनिया को, जमई के भैया घुमैयो दुनिया को, ये दुनिया खाने नहीं देगी, ये दुनिया पीने नहीं देगी, ये दुनिया जीने नहीं देगी। जमई के भैया घुमैयो दुनिया को, तनई के भैया घुमैयो दुनिया को। कलाई पर काली लट झूल रही है ऐसे, संदल की डाली पर काला साफ लिपटा जैसे। ओ नरम गरम चटपटी अनोखी बातें हैं मतवाली, ये जालिम तो लगे है कोई ये दिली सांबर वाली। आया ले लिया मेरा दिल मदरास ने ले लिया। संतो बोले मराठी भाषा, इसकी लावणी सुन ले प्यारे फिर तू देख तमाशा। ओ देखो चिकनी सूरत वाली, सूरत से है आती गर्भे वाली, चाल बतावे दिखरी है गुजराती। ले लिया मेरा दिल गुजरात ने ले लिया। मेरा दिल गुजरात ने ले लिया।
हमें कस्ता पतंग को देखो जैसे अठन्नी ठनके पटना के बाबो नजर से मारा कहे बिहारन तनके हो दूर दूर तक मार करे ये लंबे बाल का जादू पूरब से पश्चिम तक चलता है बंगाल का जादू ले लिया मेरा दिल बंगाल ने ले लिया की होल रे ले लिया मेरा दिल बंगाल ने ले लिया जर्मन जापानी या चीनी तुर्किस्तानी बड़े बड़ों को महंगा पड़ जाए लहंगा हिंदुस्तानी ओ बारी की बिंदिया पे झुक जाए आसमान का तारा सारी दुनिया से प्यारा है हिंदुस्तान हमारा ले लिया मेरा दिल शराफत से बता दे उस लिफाफे में कहां का एड्रेस था जो तूने चलती हुई पोस्टल वैन में डाल दिया था। एड्रेस पढ़ने को टाइम का मिला, मैं तो जान बचाए भाग रहा था। ये वेटर ऐसे नहीं बताएगा, मार उसको। एक और, दो और, चार और। ओह माय गॉड, केतु रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? डोंट वरी भैया, अभी सब कुछ बता देगा ये, मारो इसको। अरे नहीं बेवकूफ, ये हमारी हुंडी है, 500 करोड़ रुपए का बेरर चेक। अगर ये मर गया तो हमें क्या मिलने वाला है? ठेगा, छोड़ दो इसे, और इसे कोई छुएगा नहीं। अब तुम मुझसे सीखो कैसे बात उगलवाते हैं। राजू राजू राजू, एड्रेस तो तुमने पढ़ा ही होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि तुमने एड्रेस नहीं पढ़ा, क्यों ब्रदर? पढ़ा था। देखा, मैंने सही कहा था ना। राजू, अगर एड्रेस तुमने पढ़ा ब्रदर तो हमें बता दो, सारा झगड़ा खत्म। मैं इतना बेवकूफ नहीं ब्रदर, एड्रेस बताते ही आप तो मुझे मार डालेंगे। नॉट एट ऑल, आखिर तुम चाहते क्या हो? अपना हिस्सा। हिस्सा मतलब? मतलब मैं आपको उस फ्लॉपी तक ले जा सकता हूँ। ओह, लेकिन उस 500 करोड़ में से मुझे कितना मिलेगा? तुझे मिलेगा बाबा जी का प्रसाद, तेरी ये मजाल। प्यार से केतु, प्यार से। राजू, हम तुम्हें 5% देंगे। 10%? ओ मंजूर, तो हम पार्टनर हैं। अब बताओ पार्टनर की अभी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बैंगलोर। बैंगलोर? ओ बैंगलोर, चलो। अब क्या हुआ? मेरी एक और शर्त है। शर्त? बहुत अच्छे केतु, वेल डन। कौन सी शर्त? जाने से पहले मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जरूर, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट क्या, 6 मिनट के लिए मिल लो, लेकिन मेरे लोग तुम्हारे साथ आएंगे।
जल्दी मिलना अपनी छमिया से, चल जा। गीता जी, कैसे हैं आप? झूठे तो तुम थे ही, अब माफिया के साथ भी हो गए? नहीं गीता, मैं इनके साथ नहीं, मैं इनकी कैद में हूँ। इन्हें वो फ्लॉपी चाहिए जिसमें 500 करोड़ रुपए की जानकारी है। अच्छा, इन 500 करोड़ में तुम्हारा कितना हिस्सा है? बताओ, कितने में बेचा है तुमने अपने आप को? 10% में। क्या ये सच है राजू? देखो गीता, इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। फ्लॉपी पोस्ट करने से पहले मैंने एड्रेस याद कर लिया था, देसाई फूड एक्सपोज, पंजिम, गोवा। लेकिन मैंने सबको झूठ बोला है, बैंगलोर। इसलिए तुम फौरन गोवा जाओ और उस फ्लॉपी को हासिल करो, तब तक मैं इन्हें भड़काता हूँ। और अगर इन्हीं तुम्हारे झूठ का पता चल जाएगा तो? झूठ बोलेंगे सच, ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। तुम इसी लायक हो। तुम अब भी मुझे नाराज हो कि जब मैंने जो कुछ किया अपने प्यार के खातिर किया, और अभी जो कुछ कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी की दुआ दे रही हो या मेरी मौत की? जो चाहे समझ लो, आई डोंट केयर। गुड बाय। चलो मजनू, तेरी लैला तो चली गई। चल। राजू, रुको रुको रुको। हाँ, अरे गधो, मेरे 500 करोड़ की हुंडी है वो, पकड़ो। अरे उधर ही गाड़ी में पीछे चलो। देखो मिस्टर, मैंने सिर्फ काम की वजह से तुम्हारी जान बचाई है, कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना, समझे? समझ गया गीता जी, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साला ये दिल है कि मानता ही नहीं। आपका मान जाता है गीता जी? कोई दिल विल नहीं, हम दोनों सिर्फ गोवा तक साथ हैं। काम खत्म होते ही तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। देखिए गीता जी, इस वक्त आप गुस्से में, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल हूँ गुस्सा, और क्यों ना हूँ। एक मामूली से वेटर ने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे प्यार कर सकती हूँ? सॉरी सॉरी गीता जी, सॉरी। आप मत कीजिए मुझसे प्यार, लेकिन मैं तो अपने आप को नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकते? तुम्हें क्या हक है मुझसे प्यार करने का? हक की बात मत कीजिए गीता जी, ये दिल का मामला है और दिल को कोई नहीं रोक सकता। अरे दिल की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें रत्ती भर प्यार नहीं करती। मत करो प्यार यार, मत करो। किससे बोला प्यार करने को? लेकिन हम तो मोहब्बत करेगा और करेगा, मतलब करेगा, मतलब करेगा। फिनिश। ब्लडी फूल। ओए कुड़िये, आगे देख। शेमलेस रफियन रोड साइड रोमियो, जी करता है अभी गाड़ी से उतार दो। ये तो माफिया वापस आ गई। अरे हेलीकॉप्टर, ओ माय गॉड, गोली चला रही, गोली 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 गोली। अब क्या करेंगे? गाड़ी भगाओ, और कुछ नहीं कर सकते। ये तो जंगल के अंदर घुस गए, इतना घना जंगल, यहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लगता फिर से भैया से चांटा खाना पड़ेगा। वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, वो है नहीं अभी। आप तो ऐसे चलाइए ना प्लीज। हाँ। हाँ। लगता है हम भी कहीं खो गए, पता नहीं हाईवे कहाँ है। यही कहीं होगा गीता जी, यही कहीं। किस तरफ?
अब बताओ कहाँ जाए, दाएं या बाएं? दाएं चलना चाहिए। नहीं नहीं गीता जी, यहाँ चलते बाएं। क्यों बाएं क्यों, दाएं क्यों नहीं? गीता जी प्लीज मेरी बात सुनिए, बाएं चलते हैं, प्लीज बाएं। ये कहाँ कच्ची सड़क पर ले आए हो, लेकिन तुम यहाँ से कब गुजरे? सचमुच में तो कभी नहीं गुजरा गीता जी, लेकिन ये जगह ऐसा लगता है मैंने देखी हुई है। क्यों ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है? अब क्या ढूंढ रहे हो? एक बड़ा सा मैदान, गगन को छूता हुआ। यहाँ कहाँ से मैदान आ सकता है जंगलों के बीच, और आगे जाएंगे तो भटक जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं गीता जी प्लीज, एक बहुत बड़ा मैदान है, उस पर दो बड़े स्तंभ हैं, एक साधु मुनि है। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, यहाँ ये सब नहीं हो। महफिल है तू नहीं तो मैं फिर कहां, हे हे हे। देखा ना गीता जी, आ गया ना मैदान। आ तो गया, लेकिन तुम जरूर यहाँ पहले आ चुके हो, अभी बताओ कहाँ जाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाय गीता जी बाय, आगे खंडर आएगा पुराने मंदिर का। सुनो कहो कहो, क्या कहूं यूं भी क्या, डर है दिल क्यों जी क्यों, राजू तुम यहां पहले कभी नहीं आए हो, फिर भी ये सारी जगह तुमने देखी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बताऊं गीता जी, ऐसे ही है। अच्छा तो फिर आगे क्या आएगा बताओ। आगे 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 क्या बोलो ना। एक बड़ी सी। बड़ी सी क्या? एक बड़ी सी झील है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी, जिसे देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगी। सचमुच इतनी प्यारी झील मैंने कभी नहीं देखी। कहाँ है, कहाँ है? क्या कहाँ है, झील तो है सामने। झील नहीं गीता जी, बोट, मोटर बोट। बोट है गीता जी, और उस पर आपका नाम भी लिखा है, गीता। मेरा नाम, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही है गीता जी। पता चला बताओ राजू। हम तो मोहब्बत करेगा राजू, ये तुम्हें क्या हो रहा है? और सच सच बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा था ना गीता जी, मैं ये जगह आ चुका हूँ, और मेरे साथ कोई और भी था। कौन था? एक लड़की जिसने मुझसे प्यार का इशार किया था,
कौन थी वो लड़की? उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, जन्म जन्म तक। लेकिन वो लड़की थी कौन? आप। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं यहाँ कभी नहीं आई, कभी नहीं। ये बंधन है इश्क का बंधन, पागल ये जिद छोड़, जो तेरा है जाके उसी से दिल का रिश्ता जोड़, दिल का रिश्ता जोड़, दिल का रिश्ता जोड़।
सब कुछ आज खोने दे, जो भी हो होने दे, मांगू जो दिल चाहे रोकूंगी मैं काहे, हो आजा तुम चल जाए सारे जादू चल जाए, जैसे भी हो रंग तेरे मैं हूँ संग संग तेरे, तू मुझ में मैं तुझ में शामिल हो गया, साला पोस्टमैन अभी तक फ्लॉपी लेकर नहीं आया। अरे ये तो वो है देसाई का भाई आनंद। वो आ गया, आ गया। जाओ भाई इसकी देर कर दी। हाँ ये भाई। तुम सब लोग चौकन्ने हो जाओ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ए, ध्यान से सुनो तुम सब लोग, हमारी शिपमेंट 2 घंटे में निकलेगी, 2 घंटे में सारा सामान पैक करो और लोड कर दो। कम कुछ गड़बड़ है, चेक करो। अरे 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 हो जात हो जात हो जात केस कहा गया? 500 करोड़ के हीरे अकेले हजम कर जाओगे? ओ, 500 करोड़ के हीरे तुम्हारे पास? अच्छा? और हजम मैं कर जाऊंगा, जल्दी से हीरे निकालो वरना वरना सॉरी। बॉस मंगल का फोन। कहो मंगल, क्या बात है? बॉस गीता और वो वेटर राजू यही गोवा में है और हीरे राजू के पास है। अच्छा, उन पे कड़ी नजर रखो, वो हीरे लेके जाने न पाए। हेलो रोहित, रोहित मैं गीता बोल रही हूँ। गीता, ओ माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। गीता कहाँ हो तुम? गोवा से बोल रही हूँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। रियली कांग्रेचुलेशंस। क्या हीरे तुम्हें मिल गए? और नहीं तो क्या,
और ये सब कुछ राजू की वजह से हुआ है। राजू, क्या वो अब भी तुम्हारे साथ है? देखो गीता, वो भरोसे का आदमी नहीं है, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। नहीं रोहित, राजू ने ये सब कुछ मेरे लिए ही तो किया है, वो मुझे धोखा क्यों देगा? गीता गीता प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, राजू वो नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है। गीता, वो हीरे तो तुम्हारे पास ही है ना? हेलो राजू, हेलो गीता, राजू, राजू एक्सक्यूज मी, आपने एक लड़की को देखा है ब्राउन जैकेट में? राजू, राजू रुक जाओ, राजू, 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 राजू रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। राजू लेकर आओ इनको, चल दे राजू, चल राजू, चल। इससे क्या रे, हीरे तुम्हें मिल चुके हैं, इन्हें जाने दो, जाने दो। केतु जाने दो, इन्हें लेकर जाओ इनको। राजू ये सब क्या रे, काय को किया है सब, अपने इज्जत अपना मेहनत अपना प्यार सब कुछ कुर्बानी कर दिया रे, अरे मरने दे रहे थे हम लोगों को, कम से कम ये कुत्ते लोगों को पास कर दे। अच्छा नहीं किया तू राजू, भाग ले तू, काय करे तू, अब भाग ले, चल चल चल, ए मैं तेरे को माफ नहीं करेंगे रे। नहीं गीता, नहीं, मत रो गीता, प्लीज मत रो, मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लाऊंगा, आई प्रॉमिस। सच रोहित? हाँ, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा गीता। निकल बाहर, चल चल, ये वही जगह है जहाँ तेरे दोस्त गुल मोहम्मद को मारा था, अब तेरी बारी है, ये बहुत सारे कंकाल मिलेंगे, दोस्ती कर लेना उनसे। किधर गया ये, ढूंढ लो इसको, उधर देखो, देखो साले को, बच नहीं पाए वो, बेंच के पीछे देखो, बेंच के पीछे देखो, बेंच उधर है, वहां देखो। सॉरी गीता, टेप खत्म हो गया था, बात अधूरी रह गई। पुलिस में जाने से पहले मैं तुम्हें एक खास दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। यह है सादिया, गुल मोहम्मद साहब की बेटी, इस लड़ाई में हर कदम पर इसने मेरा साथ दिया है। हाय गीता, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता है। और मैं भी। तुम अपनी बहन से बात करो, मैं देख कर आती हूँ। ओके। बहुत तेज लड़की है, पसंद है ना तुम्हें? कुट्टी, मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी है। तूने सब कुछ करके देख लिया ना, उसको इतना सारा फोन किया, उसको ऑफिस में गया, वो तेरा शकल देखना नहीं चाहती, कल उसका मंगनी है। राजू अभी तू उसके बारे में सोचना छोड़ दे। कुट्टी, मेरे मिलने की वजह कुछ और है, मैं उसके भाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए उसे मिलना बहुत जरूरी है। राजू कैसा कैसा, अभी कोई चांस मेरे को दिखता नहीं। कल उसकी मंगनी की पार्टी है ना? हाँ। उसकी केटरिंग कौन कर रहा है? महादेवन। तू उसे जानता है? मेरा दोस्त है वो। बस कुटी, मुझे किसी भी तरह वहाँ वेटर बना के भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हे 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 हे, हा हा हा।
एक्सक्यूज मी गीता, गीता मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारे भाई के बारे में कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं सुनना। जाने क्यों न जाने क्यों ये खुशी की महफिल धड़कता है दिल न जाने क्यों इन हजारों में सनम तुम्ही को दिया दिल चाहके मेरे हसी कुछ और फिर चाह नहीं हुआ जाने क्यों ये खुशी की महफिल धड़कता है दिल न जाने क्यों
डरता हूँ इस प्यार पर, कल को हंसे ना ये लो, दो पल की ये खुशी बन जाए जीवन का रो। खुशी की महफिल धड़कता है दिल न जाने क्यों। आज मैं वो फाइल लेकर ही जाऊंगा विक्रम, वो फाइल मुझे दे दो। राइट, तो गीता वो फाइल मेरे पास आ गई है, अपने आदमियों को भिजवाकर इन लाशों को ठिकाने लगवा दो, हमारा ऑपरेशन दोबारा शुरू हो सकता है। द डील इज ऑन। तो अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है। तुमने मेरे भाई की जान ली, तुमने उसके मरने का मुझे भी अफसोस है गीता, वो मेरा जिगरी दोस्त था। लेकिन क्यों रोहित, क्यों, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था गीता, हमारा चैनल बहुत ही बुरी हालत में था, कभी भी बंद हो सकता था। उस वक्त हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे गीता, या तो स्कैंडल को एक्सपोज कर देते या फिर पॉलिटिशियंस और माफिया के साथ समझौता कर लेते। मैंने विक्रम को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर हम एक समझौता कर लेते हैं तो हमारा चैनल कहां से कहां पहुंच जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही फितूर घुसा हुआ था, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, कि मैं अपने सिद्धांतों के लिए मरना पसंद करूंगा, समझौता कभी नहीं करूंगा। तो तुमने उसे मार डाला। और क्या करता मैं माफिया को जबान दे चुका था। तुम्हें और माफिया में क्या फर्क है रोहित, बल्कि तुम तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि तुमने सभ्यता और शराफत की चादर ओढ़ी हुई है। यही शब्द तुम्हारे भाई ने भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन जरा सोचो, उन 500 करोड़ में से आधा हिस्सा हमारा है। आने वाले भविष्य की कल्पना करो गीता, टेलीविजन का राज होगा, हम कई और नए चैनल खोलेंगे, टेली कम्युनिकेशन की दुनिया हमारे कदमों में होगी, हमारे हाथ चूमेगी। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खून से रंगे हुए। नहीं नहीं, पैसा सब कुछ धो देता है गीता, सब कुछ, मुझे बस बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा। मुझे हाथ मत लगाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रोहित, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा कर ही रहूंगी। मेरी बात सुनो गीता, रुक जाओ गीता, मेरी बात सुनो। अब इस कमरे से बाहर निकलने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, मुझसे शादी कर लो गीता। शादी? हाँ। और वो भी मेरे भाई के कातिल से? मुझे तुमसे नफरत है। गीता मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गीता मुझे तुम्हारी जरूरत है, सब कुछ वीरान और डरावना लगने लगा है, मेरी रातें काटे नहीं सकती। I hate you, Rohit. मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा कर ही रहूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे समझने की कोशिश करो गीता, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। I love you, गीता। तुम मेरे भाई के कातिल हो रोहित। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। गीता कपूर चुनाई देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घर वालों, दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सबसे टीवी ऑन करने के लिए कहें और हमारा लाइव टेलीकास्ट देखें, क्योंकि हम आपको एक बहुत बड़ा अपराध घटते हुए दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, ये है केतु जिसने मिस्टर देसाई और डॉक्टर दफ्तरी की हत्या की, और उसका बड़ा भाई सूरज इस माफिया का लीडर है। हाँ कहो रोहित, हमारा ऑपरेशन फाइनल स्टेजेस में है। सूरज, हमारे ऑपरेशन का टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है लाइव। क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? बेवकूफ,
इस वक्त पूरी दुनिया तुम्हें टेलीविजन पर देख रही है। वहाँ पे छुपे कैमरास ढूंढो और जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म करो। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। छुपे हुए कैमरास? ओ माय गॉड, राहु, केतु, मंगल, क्या ये भैया, क्या बात है? यहाँ छुपे हुए कैमरास हैं, इन्हें ढूंढो, ढूंढो। यहाँ पर कैमरे क्यों होंगे भैया? आपका बर्थडे तो कल है। ओ केतु, यू इडियट, आई विल किल यू। हमारे हमारे ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो कैमरास ढूंढो वरना हम सब मारे जाएंगे। तुम उधर ढूंढो, तुम उधर ढूंढो, सब ढूंढो, सब ढूंढो, कैमरा है। जल्दी ऑन करो, चलो। गीता, गीता, कैमरा 3 और 5 ऑफ हो गए हैं। ओह नो, राजू, राजू कम इन, राजू, कैमरा 3 और 5 ऑफ हो गए, कुछ करो जल्दी। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। भागो यहाँ से। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार फेंक दो वरना भून के रख दूंगा। फेंक दो अपने हथियार, फेंक दो। वेल डन, वेल डन राजू। गाड़ी में चलो, राइट, चलो अंदर। यस, डन इट, डन इट, अनबिलीवेबल, वी डन इट, डन इट। 500 करोड़ के हीरे हमारे हाथ लग गए हैं और सारी दुनिया ने तुम्हें अपराध करते हुए देखा है। राजू, तुमने ये सब इसके लिए किया है ना? बहुत चाहते हो ना इसे? मुझे तो पता है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, मैं कभी भी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं रोहित, गोली मत चलाना, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मुझ पे गोली चलाओ। तुझे भी मारूंगा, मैं जरूर मारूंगा, लेकिन पहले गीता, राजू, गीता, राजू, गीता, छोड़ो मुझे। तुम मुझे छोड़,
छोड़ के कहीं नहीं जा सकती गीता। राजू छोड़ो मुझे। गीता, राजू मैं तुम्हारी गीता को मारने जा रहा हूँ, बचा सकते हो तो बचा लो। राजू तुम्हें बचाने आएगा वो। राजू मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी गीता भी मेरे पास है। गीता ये देख, देख। गुड बाय राजू, अगले जन्म में रोहित बनना। राजू नहीं समझे, जब छोड़ गीता छोड़, लीव मी गीता, स्टॉप इट। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई हो गीता, मैंने सिर्फ तुम्ही से, सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। तुझे मैं जान से मार दूंगा। गीता राजू, राजू क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया गीता। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुबारकबाद के खत हमें लगातार मिल रहे हैं, और ताकि हम ऐसा ही काम करते रहे हमने एक नया साथी चुना है। भले ही टेलीविजन दुनिया के बारे में उन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं है, मगर उनका दिल सही जगह पर है, और ये इंसान है मिस्टर राजू भटनागर। मिस्टर राजू, इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाय हाय मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया, ओहो। सोचा था क्या, माय गॉड क्या से क्या हो गया, अल्लाह क्या ये हो गया, ए राम मैं तो फंस गया, देखो मैं तो फंस गया, ओहो। ऐसा भी क्या यार, छोड़ो भी मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया, ओहो। इंटरव्यू दे देना, जो कुछ हो कह देना, लाइफ तेरी बन जाएगी, वाइफ तुझे मिल जाएगी, जीरो से हीरो बन जाएगा। हाय हाय मैं तो फंस गया, ओ बाप मैं तो फंस गया, तौबा मैं तो फंस गया, ओहो। गुरु मान जा, बाप मान जा, मैं मान जा, दादा मान जा।